Student, in this video I am taking the electron dot structure and the trick of electron dot structure. इन्हें हमें अगर cyclic compound में अगर electron dot structure लिखना है तो हम कैसे उसको trick से लिखेंगे. सबसे पहले हम example लेते हैं यहाँ पे cyclopentane. जैसा कि आपको पता चल रहा name से ही कि cyclopentane, pentane का मतलब होता है C, कितने हमारे पास 5C है. तो हम इस तरह से उसको पहले लिख देंगे. कार्बन को कितनी बार लिखेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने लिख दिया है. अब हम कार्बन के, हमको मालूम है कि वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बना देते हैं हम लोग. 1, 2, 3, 4 इस कार्बन का हो गया. इस कार्बन के पास आए अपन 1, 2, 3, तो अब यहाँ पर हमको एक बनाना पड़ेगा बॉन्ड इस तरह से, ये वाला हो गए 4. अब वापस इधर आए हम लोग इस कार्बन पे 1, 2, 3, 4, ये भी हो गए. इस कार्बन पे देख सकते हैं हम 1, 2, 3, ये 4. इस कार्बन पे आप देखो 1, 2, 3, 4. अब हमने बॉन्ड बना दिए. उसके बाद ये तो हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर. और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनने के लिए हमें इसको सर्कल से बनाना पड़ता है, जिसमें कि हमें वैलेंस को एडजस्ट करते हुए बनाना पड़ता है. यानी कि वैलेंसी को हम किस तरह से एडजस्ट करते हुए बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है. अब हम कुछ इस तरह से बनाएंगे. अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने 5 गोले किस तरह से बनाए, एक के अंदर एक, जैसे कि रिंग चली जाती है एक के अंदर एक, इस तरह से हमने बना लिए. अब हम हर एक गोले के अंदर क्या लिखेंगे, कार्बन 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 लिख देंगे कुछ इस तरह से. ये आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन मैंने सब इसमें लिख दिया है. अब हमको मालूम है कि एक कार्बन से कितने अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है. हमने ऊपर एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें कुछ इस तरह से हमने बना दिए. छोटे वाले जो सर्कल है वो हमने किसके लिए बनाए, हाइड्रोजन के लिए बना दिए. अब इन स्मॉल सर्कल में हमने लिख दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. उसके बाद जहां पर भी ये इंटरसेक्ट हो रहे, एक दूसरे से ये एक दूसरे को काट रहे, वहां पे जहां पे भी इस तरह का ये आ रहा है इंटरसेक्शन, ये यहाँ जैसे इस तरह से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो वहां हम क्या लिख देंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे. अब आप देख सकते हैं रेड पेन से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाए, यहाँ पे सब जितने भी इंटरसेक्शन है सभी में बना दिए. अब आप वैलेंसी, अब हमको मालूम है कि हाइड्रोजन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हाइड्रोजन के पास तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन जो है, एक कंप्लीट कार्बन का आप अगर सर्कल देखेंगे तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. यानी ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऐसे इस कार्बन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए दिखेगा. इस कार्बन पे देखेंगे तो ये 1, 2, 3, ये एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 6 और ये 8. इसी तरह से यहाँ पे भी इस कार्बन को देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. इस कार्बन को हम देखेंगे 2, 2, 2, 2, इस तरह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट करते हुए इस तरह से हमको दिख रहा है. तो ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है. सबसे पहले आप उसके सर्कल बना लेंगे एक दूसरे में, जैसे कि रिंग एक दूसरे के अंदर जाती है उस तरह से. फिर उसके बाद हम 2 छोटे छोटे गोले हर एक कार्बन के पास बना देंगे, वो हाइड्रोजन के लिए होंगे. फिर हम लोग जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे. तो ये एक सिंपल सी ट्रिक इसकी हो गई हमारी साइक्लोपेंटेन की. इसी तरह से हम इसी ट्रिक से साइक्लोब्यूटेन भी ड्रॉ कर लेंगे. अब आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमने कैसे ट्रिक से बनाया. हमको मालूम है ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है, इस तरह से 4 कार्बन बना दिए. वैलेंसी को एडजस्ट करते हुए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए. फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ये सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद ये सर्कल वाला बनाना है आपको. तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम. सेकंड स्टेप में फिर हम सर्कल बना लेंगे 4 इस तरह से. फिर 4 सर्कल में हमने क्या रख दिए, यहाँ पे कार्बन रख दिए नेक्स्ट स्टेप में. फिर कार्बन के बाद हम क्या बनाएंगे, 2 छोटे छोटे गोले किसके बनाएंगे हम, सर्कल हाइड्रोजन के लिए बना दिए. हर एक कार्बन के ऊपर 2 बना दिए इस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक एक ही बनाया, यहाँ पे एक और बना देती हूँ मैं, ये वाला एक इसका, सॉरी इसको इंटरसेक्ट नहीं करना आपको, हाइड्रोजन को ऐसे रखना है, ये वाला. फिर एक ही हाइड्रोजन का ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला बन गया यहाँ पे. फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अब लिख दिए, सब जगह पे हाइड्रोजन लिख दिए. लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको रेड से बताया, रेड पेन से, कि इनमें सब में 2-2 क्या भरना, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने फिलअप कर दिए. रेड से बताया मैंने इलेक्ट्रॉन्स, ये फिलअप कर दिए. तो अब आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन 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 और ये कार्बन, हर एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इधर भी देखेंगे आप कार्बन में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कार्बन के पास कितने हो गए, अपने अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये इसके सर्कल बना के और सिंपल मेथड से हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो आपको इस ट्रिक से इजी हो जाएगा, एग्जाम में भी बनाना कभी आया तो आपको इजी हो जाएगा।